हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एएसपी क्लासेस अगेन। बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्लास 10th की मैथ्स की जो एक्सरसाइज 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उसके कंप्लीट फॉर्मूले करवा दो। तो देखो, आज हम उसी के फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के क्या करेंगे, कंप्लीट फॉर्मूले करेंगे। तो देखो, इसमें आपके क्या है, आकृतियां दे रखी है जिनमें आपको जैसे घन, घनाभ, शंकु, ऐसे आपको आकृति दे रखी है। इन आकृति को आपको क्या करना है, आयतन निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है और तीन चार चीजें और है इसके बारे में। तो देखते हैं हम एक एक करके। पहले देखो, हम घनाभ के बारे में पढ़ते हैं कि घनाभ होता क्या है। तो आपको पेपर के अंदर ऐसे नहीं मिलेगा लिखा हुआ कि घनाभ का क्या करो, क्षेत्रफल निकालो या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। आपको आकृति का नाम मिलेगा। जैसे घनाभ हम किसे बोलते हैं, किसी किताब को या माचिस की डब्बी को, अलमारी को, जैसे हमारी ईंट होती है उसको। अब इसका एक एग्जांपल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये जो आकृति है इनको हम क्या बोलते हैं, घनाभ कहते हैं। तो पेपर के अंदर हमारे क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसी एक ना एक क्या मिलेगी, एक आकृति मिलेगी। तो आपको उस आकृति को देखकर पहचानना है कि वो घन है, घनाभ है, शंकु है या बेलन है। ठीक है, तो ये आपको देखकर पहचानना होगा। तो यहाँ मैं जैसे घनाभ की आकृति दे रखी है, किताब हो गई, माचिस की डब्बी हो गई, अलमीरा हो गई, एक मैंने आपको बताया ईंट हो गई, ये सभी किसी के किसकी आकृति होती है, घनाभ की। तो घनाभ में देखो, लंबाई होती है जिसको एल से डिनोट करते हैं, चौड़ाई होती है जिसको बी से डिनोट करते हैं, एक होती है ऊंचाई जिसको एस से डिनोट करते हैं। ऐसे हमारा घनाभ का क्या होता है, कुछ डायग्राम होता है। ये क्या होती है, हमारी ऊंचाई होती है और ये क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है, अब देखो ये हमारी क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो देखो, अगर हमें आयतन निकालना है, अगर ऐसे मिले आपको पेपर के अंदर कि आपको एक किताब है, किताब का आयतन पता कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए किताब एक घनाभ होती है और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तब आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है। नेक्स्ट, इसमें आपको निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2HL+B। एल क्या है, हमारी लंबाई और बी क्या है, चौड़ाई। अगर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका टोटल टोटल का हमें क्या निकालना पड़े, क्षेत्रफल निकालना पड़े, तो हम क्या निकालेंगे, दो गुना लंबाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला निकालकर हम क्या निकालेंगे, इसका संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो बात हुई घनाभ की। नेक्स्ट हमें बात करनी है घन की। तो देखो, घन किसे बोलते हैं, त्रिआयामी आकार जैसे आइस क्यूब, लूडो का पासा इत्यादि को हम क्या कहते हैं, घन। इसका एक एग्जाम्पल आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि और कौन सी आकृति को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। घन को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो देखो, माना लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घन वो आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या हो, बराबर हो। कि अगर हम एक लूडो दे रखा है, लूडो का पासा दे रखा है और पासे का आपको क्या निकालना, आयतन निकालना है, तो उसकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। तो हम क्या निकालेंगे, आयतन उसका एक ही क्यूब। क्या निकालेंगे, एक ही क्यूब। लेकिन अगर हम ऐसे देखिए, पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, अब बच्चे 4a² और 6a² में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां पृष्ठीय पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते हैं, वहां आपको फॉर्मूला लगाना है 4a² ये क्या निकालना है, 4a² ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो तीनों क्या होती है, हमारे बराबर होती है। अगर हमें आयतन निकालना है, सिर्फ हमें आयतन पूछा है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, एक ही क्यूब। फॉर्मूला क्या होगा, एक ही क्यूब। लेकिन अगर पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला 4a². और अगर हमें संपूर्ण, इस संपूर्ण का हमें क्या पूछे, क्षेत्रफल पूछे। देखो, इसमें आपको आयतन, तीन चीजें निकालनी होती है, आयतन, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन अगर निकालेंगे तो घन का क्या निकलेगा, एक ही क्यूब। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, 4a² और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, 6a². ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे बेलन। अब बेलन क्या होता है, देखो बेलन भी दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल बेलन होता है, एक खोखला बेलन होता है। तो देखो, हम दोनों बेलन के बारे में पढ़ते हैं। तो बेलन की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, जैसे जार, स्तंभ, पाइप या फिर रोड रोलर इत्यादि को हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। ये जो आकृतियां होती है, जार की आकृति हो गई या स्तंभ की हो गई, पाइप की हो गई या रोलर की हो गई, ये सभी आकृति कैसी होती है, बेलनाकार होती है। ठीक है, अब बेलनाकार में अगर आकृति होती है, तो उसमें हमारे ऊपर क्या होते हैं, जैसे आपको दिख रहे इस डायग्राम में, ऊपर और नीचे क्या होते हैं, दो वृत्त होते हैं। तो वृत्त होंगे तो इसके क्या होंगे, कुछ ना कुछ
त्रिज्या होती है, साथ में क्या होती है इनकी एक ऊंचाई होती है। अगर हम क्या करें, बेलन का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। अब देखो जब तक आपको ऐसे नहीं बोले एग्जाम में कि खोखला बेलन, सिर्फ बेलन बोलता है तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाने के आना है आयतन का। अगर खोखले बेलन की बात करेगा तो वो आपको बताएगा कि खोखले बेलन की बात हो रही है, या खोखले बेलन का क्षेत्रफल निकालो या आयतन निकालो। लेकिन जब तक वो खोखला नाम नहीं दे, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ बेलन नाम दे तो आपको आयतन का फॉर्मूला यही लगा के आना है। तो आयतन इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अगर हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़े, वक्र पृष्ठ का, ठीक है, वक्र पृष्ठ का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना पड़े तो हम क्या निकालेंगे, 2 पाई आर एच। लेकिन अगर हमें कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना पड़े तो हम क्या लगाएंगे, 2 पाई आर ब्रेकिट आर प्लस एच। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, हमारे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 पाई आर ब्रेकिट आर प्लस एच। नेक्स्ट देखिए, खोखला बेलन जो होता है हमारा, अब देखो ये आपके पास जो डायग्राम दे रखा है ये खोखले बेलन का डायग्राम है। ये जो हमें डायग्राम दिया है ये किसका है, खोखले बेलन का है। तो यहाँ देखो ऊपर हमारे क्या है, ये बेलन खोखला है, तो ये जो बाह्य त्रिज्या है ये हमारे क्या है, कैपिटल आर है, और ये जो हमारी अंदर की त्रिज्या है ये क्या है, स्मॉल आर है। ये कितनी है, स्मॉल आर है। तो देखो बाह्य त्रिज्या हमें कितनी दे रखी, कैपिटल आर, और अंतः त्रिज्या, ये जो अंदर की त्रिज्या ये हमारे क्या है, स्मॉल आर है। इसकी जो ऊंचाई है वो हमारे पास क्या है, एच है। इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, एच है। तो देखो अगर हमें आयतन निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, पाई कैपिटल आर यहां से लेकर उस पूरे गोले की क्या है, त्रिज्या है, और स्मॉल आर सिर्फ किसकी ऊर्जा है, अंतः ऊर्जा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैपिटल त्रिज्या में से, कैपिटल आर में से क्या कर देंगे, स्मॉल को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी किसकी क्या निकल के आ जाएगी, त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो हम इसका आयतन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, आयतन इज इक्वल टू पाई आर की, कैपिटल आर की स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की स्क्वायर इंटू एच। यही अगर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़े तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ जो हमारे क्या दे रखा था, स्मॉल आर दे रखा था, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, वैसे अगर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़े तो जहां हमारे पास आर था वहां हम क्या रख देंगे, आर प्लस आर, और ब्रेकेट में प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला निकलेगा, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक है, तो बेलन की बात करें तो जब तक आपको खोखला बेलन नाम नहीं दिया हो तब तक आपको सिंपल बेलन की बात करनी है, और उसी के आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा कर आना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आकृति है शंकु की। अब शंकु किसे बोलते हैं, देखो शंकु हम टेंट को बोल सकते हैं, जो हम घूमने के लिए जाते हैं वहां जो हम टेंट लगाते हैं, हम लोगों ने फिल्मों में भी देखा है कि वहां जो हम टेंट लगाते हैं तो उसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, कुछ शंकु के टाइप की होती है। एक हमारे आइसक्रीम का कोन होता है, जो हम आइसक्रीम खाते हैं कोन वाली, तो उसकी भी क्या होती है, शेप कैसी होती है, शंकु की जैसी होती है। ठीक है, तो देखिए माना आधार त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, आर है। त्रिज्या क्या है, आर है। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है ये हमारे क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई क्या, एच। एक यहां दे रखी है हमें तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई बोल दो या तिर्यक ऊंचाई बोल दो, तो ये जो ऊंचाई होती है हमारी, ये हमारे क्या है, तिर्यक ऊंचाई, और इसको किससे लिखते हैं, एल से। तिरछी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई, तो ये क्या होती है हमारी, एल। तो अगर हम आपको पूछ सकता है कि तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला क्या होगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच क्या हमारी ऊंचाई है और आर क्या हमारी त्रिज्या है, और ये हमारी क्या होगी, तिरछी ऊंचाई। नेक्स्ट अगर हमें क्या निकालना हो, इसका आयतन निकालना हो, नेक्स्ट हमें इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है शंकु का, तो हम क्या निकालेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़े तो हम क्या लगाएंगे, पाई आर एल। हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे, पाई आर और एल। ठीक है, यहाँ एच नहीं आएगा। अगर हमें कुल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता करना हो तो हम क्या लगाएंगे, पाई आर ब्रेकिट एल प्लस आर। ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, और एक जगह पे क्या करना है, लिख लेना है इनको अच्छे से। तो नेक्स्ट देखिए, ध्यान देने के लिए कि यदि एक शंकु व एक बेलन दोनों की आधार त्रिज्याएं क्या हो, समान हो, व दोनों की ऊंचाई भी क्या हो, समान हो, तब शंकु का आयतन बराबर होता है किसके, बेलन के आयतन के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोला
तीन आयामी आकार जैसे क्रिकेट बॉल, फुटबॉल इत्यादि को क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। कि जो हमारे क्रिकेट बॉल होती है या फुटबॉल होती है, इसको हम क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। तो गोले में हमारे पास क्या होती है? सिर्फ एक त्रिज्या होती है। क्या होती है? एक त्रिज्या होती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैप स्मॉल आर से। तो देखो माना त्रिज्या हमारे क्या यहाँ पे स्मॉल आर है। आयतन कितना है? 4/3 पाई आर की क्यूब। तो अगर आपको गोले का आयतन पूछे तो फॉर्मूला क्या लगाना है? 4/3 पाई आर की क्यूब। और अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो हम क्या लगाएंगे? 4πr². क्या लगाएंगे? 4πr². वैसे अगर हमें अर्ध गोलाकार पूछे, जैसे देखो यहां हमें क्या दिया, इस गोले के दो भाग किए और हमें अर्ध गोले का क्या पूछे? अर्ध गोले का क्या पूछे? क्षेत्रफल पूछे। तो देखो अर्ध गोले की त्रिज्या हमारे क्या होगी? स्मॉल आर होगी। तो अगर आयतन पूछे तो इसका आयतन हमारा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो क्या कर देंगे? 2/3 पाई आर की क्यूब। नेक्स्ट देखो अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो क्या आएगा? 2πr². पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ क्या है? 4πr² है, तो यहाँ आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2πr². अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या निकलेगा? 3πr², क्या निकलेगा? 3πr², ठीक है। तो अगर अर्धगोले की बात करें तो वहां में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकलेगा, और अगर गोले की बात करें तो वहां सिर्फ क्या निकलेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये सब आपको फॉर्मूले आप एक जगह कॉपी में लिखिए, इनको क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए, क्योंकि इस प्रश्नावली में से, इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन तो आएंगे, पक्का डेफिनेटली आएंगे। और अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो आप इजिली क्या कर सकते हो? आंसर निकाल के आ सकते हो, इजिली उनके आंसर निकाल के आ सकते हो। क्योंकि ये इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो किस पर डिपेंड है? वो फॉर्मूला पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? फॉर्मूला पर डिपेंड है। तो आपको फॉर्मूले अच्छे से क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए छिन्नक। अब छिन्नक क्या होता है? देखो छिन्नक के बारे में पढ़ते हैं। जब एक शंकु को आधार के समांतर, जैसे देखो ये हमारा क्या एक शंकु है, देखो इस डायग्राम में देखो कि ये क्या है? हमारा एक शंकु है, इसको आधार, ये हमारा क्या आधार है, तो इस आधार के समांतर क्या कर दिया? काट दिया। जब इस शंकु को आधार के समांतर काटा जाता है तो उस कटाव के नीचे जो आधार तक ये जो भाग रह जाता है, ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया? शंकु, एक अलग शंकु बन गया। और इसको काटने के बाद में ये जो आकृति बनती है, ये जो आकृति बनती है, इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? छिन्नक बोलते हैं। ये जो आकृति बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? छिन्नक बोलते हैं। तो छिन्नक शंकु का ही एक भाग होता है। शंकु को अगर हम समांतर आधार के समांतर काटते हैं तो हमें छिन्नक की आकृति प्राप्त होती है। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसका उदाहरण होता है तुर्की की टोपी। तुर्की की जो टोपी होती है उसकी शेप कुछ इसी टाइप से होती है, ठीक है। देखो इसके अंदर हमारे पास आधार जो कि त्रिज्या होती है, क्या होती है? कैपिटल आर, ठीक है। ये आधार जो नीचे की त्रिज्या होती है, अगर ऊपर की त्रिज्या की बात करें तो वो हमने ली है क्या? स्मॉल आर। यहाँ त्रियक ऊंचाई होती है हमारी, ठीक है, त्रियक ऊंचाई होती है कितनी? एल होती है। और ये जो हमारी ऊंचाई होती है ये क्या होती है? एच होती है। देखो अगर हम इसका तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला निकाले तो क्या निकलेगा? L इज इक्वल टू √h² + r - r² अगर हम इसका आयतन निकाले, छिन्नक का क्या करें? आयतन निकाले, तो हमारे पास क्या निकल गया? 1/3 पाई r की जगह हम क्या रखेंगे? r² + r² + r। तो ये हमारा क्या निकलेगा? आयतन का फॉर्मूला निकलेगा। अब स्मॉल r और r में कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल आर हमारा क्या है? आधार की त्रिज्या है, जो नीचे हमारा जो आधार है उसकी त्रिज्या है, और ऊपर की त्रिज्या हमारे क्या है? स्मॉल आर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? पाई एल, त्रिज्या क्या निकलेगी? r + r। तो अपर आधार की त्रिज्या प्लस ऊपर की त्रिज्या। नेक्स्ट अगर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे? r + r + πr² + r² तो ये हमारे पास क्या निकलती है? छिन्नक के संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल के आता है। तो बच्चों ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इन फॉर्मूले के ऊपर ही आपके क्या आएंगे? इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएंगे, और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आप फॉर्मूलों को अच्छे से रट लीजिए, और कौन सी चीज क्या होती है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई और उनके डायग्राम, उनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि आप पेपर में अच्छे से उनका सॉल्यूशन निकाल के आ सको, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को ऐसे ही वीडियो, आपको अगर किसी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।